अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा गाइस, आपको याद होगा कि मैंने अपनी जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना गेमिंग पीसी दिखाया था आप लोगों को, तो आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह कभी भी जब मैं कोई अपग्रेडेशन करूँगा अपने इसमें सिस्टम के टेबल में, तो मैं ज़रूर अपना जो मैं पीसी है उसको मैं खोल के और आप लोगों को मैं उसका जो अंदर का हार्डवेयर है वो मैं दिखाऊँगा कि कौन सा मैंने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया हुआ है और अंदर से उसको मैंने किस तरह से बनाया हुआ है। तो चले गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे बैठ के आपको दिखा देता हूँ गाइज, ये एक एनवीडिया का कार्ड लगा हुआ है, ये बेसिकली इसको असूस का भी कहते हैं। ये है 2GB 128 bits का एक ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। उसके साथ जो है मैंने आपको दिखाता हूँ, इसके नीचे जो इसका फिलहाल ये DVD ऑप्टिकल ड्राइव जो उसको मैंने ऑफ किया हुआ है, ये देखिए इसके नीचे मैंने एक SSD ड्राइव लगाई हुई है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये 128 GB की ये वाली SSD ड्राइव है, ये मैंने सिर्फ GTA 5 के लिए रखी हुई है। और अब एक SSD ड्राइव जो है वो मैंने इसके हार्ड ड्राइव के नीचे लगाई हुई है यहाँ पे, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सॉरी गाइस, मैंने असल में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हॉट ग्लू डाली हुई क्योंकि थोड़ा सा उसको मैंने जो है ना तोड़ के यहाँ से मैंने उसको फिक्स करके बैठाया था क्योंकि ग्राफिक कार्ड फिक्स नहीं आ रहा था उसके नीचे। मैं आपको वर्बली बता देता हूँ इस हार्ड ड्राइव जो है ये 250 GB की जो है हार्ड ड्राइव है, ये इसके जो नीचे है वहाँ पर जो है एक 256 GB की SSD ड्राइव एक और उसके हार्ड ड्राइव के नीचे लगी हुई है। उसके साथ जो है ये जो ग्राफिक कार्ड मैंने जैसा आपको बताया है 2GB 128 bits का है एनवीडा का, इसको असूस का भी कह सकते हैं क्योंकि ये असूस कंपनी ने ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस कार्ड के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर एक HDMI पोर्ट है, एक DVI पोर्ट है और इसके यहाँ पे जो है एक VGA पोर्ट लगती है जो कि मैं अपनी वो ऊपर जो है वो HP की जो स्क्रीन है छोटी वाली उसको मैं यूज़ करूँ सेकेंड मॉनिटर को। तो ये ग्राफिक कार्ड बेसिकली 3 मॉनिटर्स को सपोर्ट करता है। उसके साथ अब आप यहाँ पे आ जाइए, रैम्स जो है इसके अंदर DDR3 की रैम्स लगती हैं जो कि मैंने 16 GB की रैम्स की हुई है इसके अंदर, 4 GB की मैंने इसके अंदर जो है 4 रैम्स डाली हुई, 16 GB की मैंने रैम की हुई है इसके अंदर। और प्रोसेसर इसका यहाँ पे इस हीट सिंक के नीचे है, इसमें Core 2 Quad का प्रोसेसर लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसके मैंने इसके अंदर जो अपग्रेड किया है इसके फैंस को मैंने पीछे से, क्योंकि ये जो था थोड़ा सा सिस्टम जो है ये गेम्स के दौरान और थोड़ा सा एडिटिंग के दौरान जो है सिस्टम थोड़ा सा हीटअप हो रहा था। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इसके ऊपर जो ऑडिनो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो मैंने इसके फैंस अपग्रेड किए, ये देखें गाइस आप लोग ऊपर देख सकते हैं ये ऑडिनो प्रोजेक्ट है इसका। अब हम लोग जरा इसके पीछे फैंस की तरफ चलते हैं। गाइस थोड़ा सा पीछे वायर्स का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आई एम रियली सॉरी, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को फैंस दिखाने की। ये देख रहे हैं पहले जो मैंने जो फ़ैन यूज़ किया हुआ था ना वो मैंने ये वाला फ़ैन यूज़ किया था, लेकिन उसका रीज़न ये हुआ था कि कुछ टाइम बाद जो है ना मुझे पता ये चला था कि ये फ़ैन जो है ये इतना पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से जो है मेरा जो सिस्टम था वो थोड़ा सा हीटअप हो रहा था। तो अब मैंने जो है ये थोड़ा सा बड़ा मैंने फ़ैन यूज़ किया है, हाँ थोड़ा सा हाई RPM का फ़ैन है ये बेसिकली। ये दोनों फैंस जो है ये क्या करेंगे, इसके पीछे से जो ये मतलब ये जो CPU है ये आगे से जब अपना फ़ैन से जब ये हवा सक करेगा, जब प्रोसेसर को कूल डाउन करेगा, उसके पीछे जितनी भी हीट वाली हवा होगी उसको एग्जर्ट कर देंगे बाहर ये फ़ैन जो है। तो इस वजह से थोड़े से इसके मैंने फ़ैन्स बड़े डाले थे। ऑलराइट गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।